श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवनीरदनिन्दित कांतिधरम रससागर नागर भूपवरम शुभवंकिमाचारु शिखण्डशिखं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् भ्रुवि शङ्कितवङ्किमशक्रधनु मुखचन्द्रकोटिविधु मृदुमन्दसुहास्य सुभाष्ययुतम् भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् सुविकम्पदनङ्गसदङ्गधरं व्रजवासि मनोहर वेशकरम् वृषलाञ्चितनीलसरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् अलकावलिमण्डितबालतटं श्रुतिडोलितमाकरकुण्डलकम् कटिवेष्टितपीतपटं सुदटं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् कलनूपुरराजितचारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितभृङ्गमदम् ध्वजवज्रजशाङ्कितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् वृषचन्दनचर्चितचारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हितबानुतन् व्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्
सुरवृन्दसवन्द्यमुकुन्दहरिं सुरनाथशिरोमणिसर्वगुरुम् गिरिधारिमुरारिपुजारि परं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् वृषभानुसुतावरकेलिपरं रसराजशिरोमणिवेषधरम् जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरम् भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् व्रज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं जय राधा बृंदावन बिहारी राधा बृंदावन बिहारी राधे जय श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नेताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नेताय गौर हरि बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री आज का जो भगवान का आप जो श्रृंगार का जो जो उनका जो ड्रेस है और जो रात्रि का भी था और श्री श्री राधा मदन मोहन जी का भी जो आज के उत्सव के जो उनके पोशाक है वो इन भक्तों के द्वारा आयोजित की गई है। हमारे प्रणवानंद प्रभु उनके जो परिवार है उनके पिताजी श्रीनिवास राव माता वाणी और उनके भाई गणेश के द्वारा औदार्य चैतन्य प्रभु उनके जो भाई अंकुश बबन मस्के और उनके परिवार के द्वारा और अजीत मुकुंद प्रभु के मित्र अनिरुद्ध कौशिक प्रभु द्वारा तो हम इन सब परिवारों का भगवान के सुंदर जो पोशाक उन्होंने आयोजित किया उसके लिए धन्यवाद करेंगे तीन बार हरि बोल बोलकर। और जो अंकुश बबन मस्के औदार्य चैतन्य प्रभु जी के जो भाई हैं उन्होंने भगवान के जो है उन आनंद के लिए जो ये पोशाक ही नहीं उनका जो आप जो आभूषण देख रहे हैं ज्वेलरी और फेस्टिवल कब होगा और आज जो हमारी जो गौशाला में है सभी गायों के लिए जो उनका जो चारा वो भी उन्होंने आयोजित किया है तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे तीन बार ज़ोर से हरि बोल बोलकर। और
माधव प्रिया माता जी बॉम्बे से, उन्होंने आज का जो सभी भक्तों का जो है प्रसाद आयोजन के लिए योगदान दिया है, और सचिन भोसले प्रभु और वृषाली माता जी, उनके परि उनके बेटा प्रद्युम्न और उनकी बेटी रुजुला, उन लोगों ने आज जो संध्या में श्री राधा बन बिहारी जी का जो अभिषेक होगा वो आयोजित किया है, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे तीन बार हरि बोल बोलकर। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री राधा वृंदावन बिहारी श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी, जमुना तीर वनचारी जय कुंज, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, बोलो जय राधा जय कुंज बिहारी, हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल, नितय गौर श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की ओम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जन्माष्टमी के परम पावन अवसर पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा किस तरह से भगवान कृष्ण ये रसराज है और वो किस तरह से भक्तों के जीवन में उनके हृदय में रस जागृत करते हैं। अभी भगवान अवतार क्यों लेते हैं इसके बारे में अलग अलग कारण बताए गए हैं। भगवद गीता में जो विख्यात श्लोक है उसमें बताया कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब वो अवतार लेते हैं। तो अभी यह ज़रूर एक महत्वपूर्ण कारण है, पर हम देखेंगे यह तो ठीक है हज़ारों साल पहले भगवान आए थे तभी अधर्म था और उन्होंने धर्म की प्रस्थापना की, पर जगत में तो हमेशा बदलाव होते रहता है। तो द ओनली थिंग दैट डजंट चेंज इन दिस वर्ल्ड इज दैट द वर्ल्ड चेंजेस। एक ही चीज़ इस दुनिया में नहीं बदलती है, वो क्या है कि दुनिया बदलती रहती है। तो फिर भले ही भगवान धर्म का प्रस्थापना कर लेते हैं तो भी क्या होता है पुनः कुछ समय के बाद अधर्म आ जाता है। तो अभी जब भगवान धर्म की प्रस्थापना कर रहे हैं कैसे करते हैं वो, एक जैसे कहता है कि परित्राणा या साधुनाम विनाशा च दुष्कृताम, कि जो धर्म के अनुकूल है उनको भगवान और सशक्त बनाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनका संवर्धन करते हैं, और जो धर्म के प्रतिकूल है उनको भगवान और कमज़ोर बना देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। तो अभी यह धर्म और अधर्म जो है यह ऐसे नहीं है कि दो प्रकार के लोग हैं, कुछ धार्मिक है कुछ अधार्मिक है। वास्तव में ये धर्म और अधर्म ये हर व्यक्ति के हृदय में होता है। द लाइन बिटवीन गुड एंड ईविल रन्स थ्रू एवरी ह्यूमन हार्ट। तो कुछ धार्मिक प्रवृत्तियाँ हम सब में हैं, कुछ अधार्मिक प्रवृत्तियाँ सब में हैं। तो भगवान का एक ऐतिहासिक उद्देश्य होता है कि जो लोगों में धर्म की प्रवृत्ति अधिक है उनको धार्मिक कहते हैं, जो लोगों में अधर्म की प्रवृत्ति अधिक है उन्हें अधार्मिक कहते हैं। तो वे धार्मिक लोगों को सशक्त बनाते हैं, पर उसके अलावा भगवान का एक स्थायी उद्देश्य है और वह अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, चौथे अध्याय के नौवें श्लोक में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं कि अगर आप मेरी लीलाओं का श्रवण करते हैं और लीलाओं को समझते हैं तत्वतः, तो उससे क्या होगा आपका मेरी ओर आकर्षण हो जाएगा, और जब उनकी ओर आकर्षण हो जाता है तो क्या होता है, तो हमारी जो हमारे हृदय में जो धार्मिक प्रवृत्तियां है उनका संवर्धन होता है और जो अधार्मिक प्रवृत्तियां है उनका दमन हो जाता है। तो इस तरह से भगवान का एक उद्देश्य है कि वो इतिहास के एक समय इस भौतिक जगत में धर्म का प्रस्थापना करते हैं, पर भगवान का अवतरण का एक स्थायी उद्देश्य है कि वो हम सबके हृदय में धर्म की प्रस्थापना करना चाहते हैं। और धर्म की प्रस्थापना कैसे करते हैं, वह हमारे हृदय में रस विकसित करके। अभी रस ये शब्द का क्या अर्थ है, शायद भक्ति में आने के पहले हमने रस ये शब्द सुना होगा कि आम रस होता है या गन्ना रस होता है, उस संदर्भ में हमने सुना होगा वो शब्द रस। पर ये रस मतलब क्या है, जैसे रस कोई रस होता है तो क्या होता है, वो एक स्वाद, वो स्वादिष्ट होता है, वो द्रव्य होता है और उससे आनंद आता है,
तो उसी तरह से रस ये भक्ति में क्या होता है, वो भावनाओं का प्रवाह द्रव्य है वो, और हम सब भावनाओं के द्वारा अलग अलग कार्य करते हैं। भाई जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, विज्ञापन होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें भावनात्मक स्तर पर आकर्षित करते हैं, ये इतना अच्छा, ये खरीदो, ये खरीदो आप, ये खरीदो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वैसे तो जो भावनाएं साधारणतया हमें भौतिक जगत में आकर्षित करती है और हमें मोह में डालती है, भगवान अवतार लेते हैं, अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और उन लीलाओं का श्रवण करके उन लीलाओं में हम अगर विमर्शन करते हैं, हमारा हम लीन हो जाते हैं, चेतना लीन हो जाती है, तो फिर क्या होता है, दिव्य भावनाएं उससे जागृत होती है। और जितनी हद तक दिव्य भावनाएं जागृत होती है, उतनी भौतिक जो भावनाएं हैं, भौतिक वासनाएं हैं, वो सब चली जाती है। तो भगवान की लीला का अवतरण इसलिए है, भगवान का अवतरण इसलिए है कि हम सबके हृदय में रस जागृत करें। तो अभी हमें भगवान के अवतरण से संबंधित एक लीला है उसके बारे में चर्चा करूँगा और उसमें किस तरह से रस जागृत होता है, और ख़ास करके मैं कहा कि कैसे कृष्ण रसराज है। तो भगवान का हर अवतार जो है वह एक तरह से रस जागृत करता है, तो पर भगवान कृष्ण जो है वो रसराज है, वो अलग अलग प्रकार के रसों को जागृत करते हैं, विकसित करते हैं। कि अभी प्रभु श्री रामचंद्र भी विख्यात अवतार है भगवान के, पर प्रभु श्री रामचंद्र जो है उनका उनके बाल लीला के बारे में अधिक वर्णन नहीं है, तो कृष्ण लीला के बाल लीला का बहुत वर्णन है। तो क्या है कि कृष्ण लीला के में अलग अलग रस बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, जितने कि रामलीला में नहीं है। तो हम रामलीला और कृष्ण लीला की थोड़ी तुलना करेंगे एक प्रसंग में। तो ये विश्वाचार्य ठाकुर प्राद इसका उल्लेख करते हैं कि जब कृष्ण का अवतरण हुआ, उसके बाद में जब कृष्ण को अवतरण हुआ तो देवकी और वसुदेव पहले तो अचंभित हो गए, ये कैसा बालक जन्म हुआ है कि ये चतुर्भुज है और ये अलंकृत है अलग अलग आभूषणों से, वस्त्रों से। तो उन्होंने प्रार्थना अर्पण की, पर ये वात्सल्य का भाव ऐसे होता है कि यद्यपि कितना भी कितना कि छोटा सा बालक जब होता है तो बालक को देखते ही जो जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके मन में एक प्रोटेक्टिव फीलिंग आ जाता है, संरक्षण करने की भावना आ जाती है। तो मैं एक बार शिकागो एयरपोर्ट में था, मैं उतर गया था, वहाँ पे रुका था कि कोई भक्त मुझे आके पिकअप करेंगे के लिए। तो नॉर्मली जब भी मैं जाता हूँ तो फ़ोन से बात करता हूँ, पर जब किसी देश में पहले एंटर करते हैं तो फिर तभी उस देश का सिम नहीं होता है मेरे पास, तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो तभी थोड़ा सा अनसर्टेंटी होता है कब कहाँ आएंगे, कहाँ मिलेंगे। तो मैं वहाँ पर रुका हुआ था और वहाँ पर मैं देख रहा था क्या हुआ था कि ए दो बच्चे थे, एक लगभग 3 साल का बच्चा था और दूसरा जो बच्चा था लगभग 6 साल का था, 5-6 साल का होगा, एक्चुअली वो लड़की थी वो दूसरी। तो क्या हो गया था कि उनके जो माता पिता थे वो शायद वो खो गए थे या उनके माता पिता खो गए थे, जो भी है, मतलब बेसिकली उनके माता पिता थे नहीं। तो अभी क्या हो गया था, ये अभी दोनों छोटे से बच्चे, पर ये 3 साल का जो बच्चा है वो रो रहा था और जो 6 साल की बच्ची थी उसको शांत कर रही थी, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, पापा आ जाएगी, मम्मी आ जाएगी। तो अभी क्या होता है कि अभी ये 6 साल की बच्ची भी वो छोटी है, वो भी खो गई है, तो फिर उसको भय होगा, पर क्या है मुझसे कोई छोटा है, मुझे इसको संभालना है। तो क्या होता है, छोटा सा बालक होता है तो किसी के मन में भी एक संरक्षण का भाव आ जाता है। तो उसी तरह से अभी क्या होता है, जब वसुदेव और देवकी कृष्ण को देखते हैं, वह देखते हैं कि यह तो भगवान है पर फिर भी ये एक शिशु के रूप में है, तो उनको संरक्षण का भाव आ जाता है। और संरक्षण का जब भाव जब उन्हें जागृत हो जाता है तो फिर वो देवकी खास कर कहने लगते कि हे कृष्ण, मैं आपको छुपाऊंगी कैसे, तो आप अगर इस विलक्षण रूप में हो गए तो कम से तो समझ जाएगा कि आप वही हो जो उनके वध के लिए आए हो, तो आप कृपया ये चतुर्भुज जो रूप है वह उसको छिपा दीजिए उसको। तो फिर कृष्ण उनके इच्छा के अनुसार अपना फिर द्विभुज रूप, छोटा सा एक बिल्कुल और ही मासूम बालक जैसे
रूप धारण कर लेते हैं। तो अभी जब भगवान का अवतार होता है तो वो कब होता है, जब बहुत क्रूरता, बहुत ही निष्ठुर मात्रा में होती है। तो अभी जो कंस होता है, अभी हम ये इसका परिस्थिति देखेंगे, तो उसके बाद में क्या होता है कि जब फिर कृष्ण बोलते हैं कि वसुदेव को कि आप मुझे अभी यहाँ से ले जाओ वृंदावन, वृंदावन ले जाओ, तो तभी तुरंत वसुदेव कृष्ण को उठा लेते हैं। और फिर एक योग माया चमत्कार के रूप में जो होता है वहाँ पे कृष्ण जो है वो सारी परिस्थिति एक तरह से अनुकूल हो जाती है। वो जो है पहरेदार है वो सब सो जाते हैं। अभी वो पहरेदार ऐसे गैर जिम्मेदार पहरेदार नहीं जो सो जाते हैं ऐसे। अभी कंस, वो कंस के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सब जानते हैं, वो कंस कितना निष्ठुर है वो भी जानते हैं। पर जो वो सब कृष्ण के योग माया के प्रभाव से सो जाते हैं। और फिर जो जो वहाँ पे कारागृह है उसके जो बंदी वो खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, फिर वसुदेव कृष्ण को अकेले रात के से मिले जा रहे होते हैं। और फिर वो यमुना के पास में आते हैं। तो अभी वहाँ पे विश्वनाथ शेखर ठाकुर इसका उल्लेख करते हैं और फिर हमारे आचार्यगण और विस्तार करते हैं कि यहाँ पे जो कृष्ण, यहाँ पे भी एक नदी या एक जलाशय को पार करने की परिस्थिति आती है। और रामलीला में भी एक जलाशय पार करने की परिस्थिति आती है। रामलीला में कौन सी है? हाँ, समुद्र का पार करना था। और रामलीला में दो बार आती है, पहले है हनुमान को पार करना होता है, वानरों को पार करना होता है तो हनुमान कूद के जाते हैं। और यहाँ पे और फिर उसके बाद में जब सारे वानरों को जाना होता है परशुराम राम के साथ, तो दो बार जलाशय को पार करना होता है। तो ये दो प्रसंग है कि जलाशय को पार करना वह कैसे किया जाता है और उसमें कृष्ण किस प्रकार का रस का अनुभव कराते हैं वसुदेव को इस परिस्थिति में, और हम भी किस प्रकार से रस का अनुभव कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम भी। तो मैं चार विषयों पर चर्चा करूँगा, इट्स बेस्ड ऑन एक्रोनिम रस, RASE। तो अभी रस का मतलब क्या है कि इसे जो दिव्य भावना भगवान के संबंध में अनुभव होती है। और अभी भावना किस किन किन की चीज़ से होती है, तो एक है फर्स्ट इज आर इज रिस्क, कि जो खतरा कितना था। तो अभी जो कृष्ण रामलीला में होता है कि पहले जब हनुमान जी अकेले जाते हैं कूद के तो काफ़ी खतरा होता है, पर इतना खतरा भी नहीं होता है क्योंकि जो रावण होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेसेंट होता है, उसको लगता है कि ये राम क्या करने वाला है, पर अकेला वानर आके उसका पूरा वहाँ पे विध्वंस कर देता है तो फिर थोड़ा चौकन्ना हो जाता है वो। पर उसके बाद में भी उसको लगता है कि ठीक है वो एक वानर तो आ गया पर ये पूरी सेना कैसे आने वाली है। तो पर उसके बाद में जब सारे वानरों को सागर के पर जाना होता है तो फिर क्या करते हैं, पहले प्रभु श्री रामचंद्र सागर को प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे मार्ग दो, पर सागर कुछ सुनता नहीं है सागर। तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र क्रोधित होके फिर अपना धनुष सागर की ओर डालते हैं, तो सागर में पूरा उपद्रव हो जाता है तभी। और तो फिर सागर के जो देवता है समुद्र देव वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं प्रवाह होते रहता हूँ, पर आप एक पूर बना दो और मैं उसको सपोर्ट दूंगा, उसको आधार दूंगा नीचे से। और फिर सारे वानर जो है पूर बनाने लगते हैं। और तभी जब ये पूर बना रहे होते हैं तो तभी क्या होता है, अभी रावण इस बार थोड़ा चौकन्ना हो गया, तो रावण सोचता है कि जैसे ही पूर बन जाएगा मैं मेरे राक्षसों को बोलूँगा और जैसे ही पूर लंका तक पहुँच जाएगा तो मैं उसको विध्वंस करूँगा। तो अभी प्रभु श्री राम को भी ये पता होता है, तो अभी जो पहले तो पूर बन रहा है तो वो जैसे ही पूर बन रहा होता है कुछ वानर जो होते हैं अलग अलग जगह पर जाते हैं, और वो वानरों को क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े पर्वतों को लाना पड़ता है। पर प्रभु श्री रामचंद्र कुछ वानरों को ये सेवा देते हैं कि आप ये जो पूर है इसका संरक्षण करो,
और क्या होता है, अलग अलग सेवाएं होते हैं, कुछ सेवाएं होते हैं उसमें बहुत एक्टिविटी करनी होती है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ भागो दौड़ो ये करो, तब ऐसे लगता है कुछ सेवा करनी है। पर कुछ सेवाएं होते होती है कि उसमें अधिकांश समय कुछ भी एक्शन नहीं होता है, एकाएक बहुत एक्शन आ जाता है। तो जब ये संरक्षण का पहरा देने का सेवा है तो क्या, एक जगह बैठे हैं वो, पर एकाएक कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो वास्तव में कि एक भक्त है, वो मेरे मित्र है, वो अभी मैं दिल्ली में एक कैंप खेले गया था, तो वो कश्मीर से आए थे, तो वो कश्मीर में वो डिफेंस में है वो, तो वो कहते हैं कि जब एक्चुअली एक्शन होता है तब इतना एंग्जाइटी नहीं होता है, क्योंकि तभी एक्चुअली अब काम करना होता है, पर जब एक्शन नहीं होता है तभी क्या होता है, माइंड का ज़्यादा एक्शन होने लगता है, अरे ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा। तो अभी ये जो वानरों को ये सेवा करे होते हैं, कुछ वानरों को बड़े बड़े पर्वत के पत्थर लाने होते हैं, कुछ वानरों को पूर का संरक्षण करना होता है। अभी वहाँ पे वो रिस्क है, वो जोखिम है। अभी कृष्ण लीला में क्या जोखिम है, अभी कंस बड़ा ही निष्ठुर है, अभी कितना निष्ठुर है, कितना क्रूर है, यह इसका उसको हम कल्पना कर सकते हैं कुछ कार्यों के द्वारा, कुछ प्रसंगों के द्वारा। साधारणतया जब कोई गुनाह होता है तो जिस मात्रा में गुनाह होता है उस मात्रा में से सरकार वहाँ पे आती है। अगर कोई छोटी सी चोरी हो गई होगी तो फिर अगर पुलिस में बुकिंग करते हैं तो शायद कोई एक कांस्टेबल आएगा चेक करने के लिए क्या हुआ है। कोई एक बड़ी आग वगैरह लग गई होगी शहर में तो फिर शायद जो पुलिस का इंस्पेक्टर है वहाँ पर आ जाएगा। पर कोई बड़ा आतंकवाद का आतंक का आक्रमण हो गया है और से कि भारत की विधानसभा को ब्लो अप कर दिया है या कोई बड़ी बड़ी जिम्मेदार बड़ी बिल्डिंग को ब्लो अप कर दिया है तो उड़ा दिया है, तो क्या होता है फिर, तभी भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री वहाँ पे आ जाएंगे। तो जितना बड़ा खतरा है तभी उतना बड़ा व्यक्ति वहाँ पे आ जाएगा उसको ताने के लिए, उसको प्रतिकार करने के लिए। तो वैसे अभी कंस जो है बहुत बड़ा असुर था और उसके असुरत्व को अगर समझना है तो हम दो कंस के सामने जाना, कंस का प्रतिकार करना जो वसुदेव कर रहे थे, विराट को अकेले जा रहे हैं वो, कुछ पहरेदार तो सो गए हैं, पर क्या कोई पहरेदार जगा है, कोई आके पकड़ लेगा, वो जो भय है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कंस बहुत ही क्रूर था। कि क्रूरता के हम दो तरह से मापदंड देख सकते हैं, कि पहले ही किसी अ पर्सन्स कैरेक्टर इज सीन थ्रू देयर लिमिट्स। कि हम सब किसी के कोई हम सबको अभी साधारणतया अच्छा बर्ताव करना आसान होता है साधारण प्रसंगों में, पर जब हमको कोई प्रवोक करता है, कोई विचलित करता है, तभी किस हद तक व्यक्ति जाएगा उससे उस व्यक्ति के चरित्र को समझ सकते हैं। कि सबको क्रोध आता है, पर किसी को क्रोध आएगा तो फिर वो कुछ शब्द कुछ बोल देंगे क्रोध में, किसी को क्रोध आ जाएगा तो वो न केवल शब्द बोलेंगे कुछ गालियाँ दे देंगे क्रोध में आके, किसी को क्रोध आ जाएगा तो वो कोई चीज़ उठा के उसके सिर को मारेंगे, किसी को क्रोध आ जाएगा तो फिर वो कोई चाकू उठा लेंगे और किसी पर आक्रमण करने आ जाएंगे, किसी को क्रोध आ जाएगा वो एक गन उठा लेगा। तो क्या है, सब में क्रोध है, पर क्रोध के प्रभाव में व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है वह उसकी मर्यादा है, और हम सब की मर्यादा है। हम सब के जीवन में काम और क्रोध आता है, इच्छा और इच्छा में कुछ प्रतिकार आ गया तो उसमें हम क्या करते हैं, तो काम और क्रोध दोनों होता है। तो अभी कंस देवकी के विवाह के समय एक सारथी बना हुआ है, और हम उसको बोल सकते हैं कि वह जब सारथी बनाया हुआ है तो तभी क्या कर रहा है, वो अचानक आकाशवाणी आ जाती है कि ये हे मूर्ख, इसी का अष्टम गर्भ जो है वह तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उससे तुरंत पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है, वह कम से कम बाल पकड़ के उसका सिर काटने के लिए अपनी तलवार को उठा लेता है। तो अभी साधारणतया जो सुसंस्कृत व्यक्ति होता है वह सुसंस्कृत
परिवारों में, सुसंस्कृत लोगों के बीच में कभी कोई व्यक्ति स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है। पर अभी कम से न केवल स्त्री पर हाथ उठा रहा है, हाथ उठा पर एक एक तलवार उठा रहा है मारने के लिए। यही हम कह सकते हैं यह क्रूरता है। पर यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह उसकी खुद की बहन है। व्यक्ति साधारणतः भाई बहन का ऐसे रिश्ता होता है कि भाई अपने बहन की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है, पर यहाँ पे वो जान ले रहा है। तो इट्स, अगर हम मैथ की दृष्टि में, गणित की दृष्टि में बोलते थे, दिस इज नॉट जस्ट क्रूएल्टी, दिस इज क्रूएल्टी स्क्वायर। कि ये क्रूरता दुगनी है कि वो न केवल एक स्त्री को मारने का प्रयास कर रहा है, अपनी बहन को मारने का प्रयास कर रहा है। और न केवल अपनी बहन को मारने का प्रयास कर रहा है, कब कर रहा है? उसके विवाह के समय। साधारणतया विवाह जो होता है ये एक आनंद का उत्सव प्रसंग होता है, और तभी कोई भी अगर कोई परेशानी होगी तो हम लोग कहते हैं कि ये विवाह हो जाने, तो उसके बाद में हम बात करेंगे इसके। किसी को कोई कर्जा है वापस करना है तो वो लोग बोलते हैं ये विवाह हो जाने, तो बाद में हम देखेंगे इसको। तो फिर क्या है, विवाह के समय ही जो एक पवित्र आनंद पूर्ण उत्सव है, उस समय वो किसी का वध करने का प्रयास कर रहा है। तो ये क्या है, न केवल क्रूरता है, क्रूरता के दुगने है, दिस इज क्रूएल्टी क्यूब, तिगनी क्रूरता है ये। और यह एक प्रसंग जो है यह प्रतीक है। मैं बता रहा था कि व्यक्ति का चरित्र उनके मर्यादाओं के द्वारा दर्शित होता है, किस हद तक व्यक्ति जा सकता है। तो कंस जो इतना क्रूर था कि वो अपने खुद के बहन को मारने के लिए आ गया, और यह इतना बड़ी इतनी क्रूरता है, और यह केवल साधारण व्यक्ति नहीं है, यह राजा है, बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए तो उस वह ऐसा प्रसंग है कि कृष्ण को स्वयं ही अवतार लेना पड़ रहा है, इतना ये आतंक करने वाला व्यक्ति है। तो इन द कल्चरल टर्म्स ऑफ दोज टाइम्स, कंसज अटैक ऑन देवकी वॉज लाइक अ 9/11 अटैक ऑन अमेरिका इन टूडेज टाइम्स। वो इतना विध्वंसक, इतना घातक, इतना अकल्पनीय है, कोई ऐसे कर सकता है? तो कम से बहुत ही क्रूर था। और इतना ही नहीं, अभी कई बार यह सवाल आता है कि अगर कम से को भय था कि देवकी का अष्टम संतान जो है मेरा वध करेगा, तो फिर उसको एक साधारण सॉल्यूशन था उसके लिए, क्या है कि वसुदेव और देवकी को अलग रख दो। तो वैसे उसने क्यों नहीं किया? तो एक पहले चीज तो यह है कि जो कृष्ण का जन्म होता है वह ऐसे पुरुष और स्त्री एक शारीरिक रूप से साथ आने के कारण नहीं होता है। पर दूसरा कारण यह था कि कंस को वास्तव में अहंकार था। कंस ने पहले देवताओं को हरा दिया था। जो देवता थे, जो बड़े शक्तिशाली होते हैं, जो साधारणतया जिनको लोग प्रार्थना करते हैं संरक्षण के लिए, वो सब कंस के भय में रह रहे थे। और कंस का भी ऐसा अहंकार था, वह सोच रहा था कि मैंने पहले देवताओं के शक्ति का प्रतिकार कर दिया है, और अभी मैं देवताओं के वचन का प्रतिकार कर दूंगा। कि ये आकाशवाणी आई है, मतलब किसने की है? ये देवताओं ने की है। तो अगर उन वो देवताओं के आकाशवाणी का मैं प्रतिकार कर सकता हूँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये लोगों का देवताओं से विश्वास उठ जाएगा, और फिर मेरा साम्राज्य और शक्तिशाली बन जाएगा। कैसे होता है कि कोई राजा होता है कि उसके लिए क्या होता है, जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। कि न केवल न्याय होना चाहिए, पर न्याय हो रहा है ये दिखना चाहिए। कोई राजा है तो न केवल वो शक्तिशाली होना चाहिए, उसकी शक्ति दिखनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, थोड़ा भय रहता है, थोड़ा अराजक लोग होते हैं वो नियंत्रण में रहते हैं। तो कंस की योजना क्या थी कि अगर मैं ये देवताओं की आकाशवाणी को गलत साबित कर दूंगा, तो फिर क्या होगा, लोगों का देवताओं से श्रद्धा उठ जाएगी पूरी, और फिर मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। इसलिए उसने क्या किया, वसुदेव देवकी को कारागृह में साथ में रखा। पर अभी इसमें भी उसकी क्रूरता वापस दिखती है। जैसे पहले बताया था, छोटा सा बालक होता है, शिशु, खास करके नवजात शिशु, तो कोई भी व्यक्ति हो
उसके मन में उसके प्रति स्नेह, उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति संरक्षण करने की भावना जागृत होती है। पर कंस ने क्या किया, जैसे ही देवकी का पुत्र जन्म हुआ तो उसका उसने वध कर दिया। तो अभी किसी का भी वध करना बहुत क्रूर है, पर किसी नवजात शिशु का वध करना यह बहुत क्रूर है। और न केवल अभी नवजात शिशु का वध कर रहा है, तो वैसे पहले पहले बताया कि क्रूरता की तिगुनी क्रूरता, वही तिगुनी क्रूरता हमको एक और बार दिखती है। एक शिशु का वध करना यह क्रूरता है, पर शिशु का वध भी कैसे कर रहा था वो, कि वो वध इस तरह से कर रहा था कि वह वास्तव में वह शिशु को लेके सब वो एक पत्थर वहां पे उसने रख दिया था वो कारागृह में, और वो पत्थर में उसके सिर को पटक के वहीं पे मारता था वो। मैं जब अमेरिका में था तो वहां पे एक बोस्निया से कुछ लोग आए थे, वो भक्त बने थे, तो बताया था कि अभी बोस्निया जो यूरोप में है वहां पे एक बड़ा जेनोसाइड हो गया था। जेनोसाइड मतलब बहुत से लोगों को मार दिया था। तो वो मारने की सिस्टम क्या होती थी वहाँ पे, उनके जो दूसरे राज्य के जो सैनिक वगैरह आते थे आक्रमण करते थे, तो पहले वो किसी भी गांव में शहर में जाते थे तो सब लोगों को गन पॉइंट पे बंदूक पे लेके सबको सामने एक जगह ला देते थे, और फिर सब बच्चों को सेपरेट करते थे और सब माता पिता के सामने पहले बच्चों के दिमाग में गोली मारते थे तो पूरा सिर उड़ जाता था, और फिर उसके बाद में वो सारे जो स्त्रियां होते थे उन सबको सेपरेट करते थे, और फिर उनके साथ गैर व्यवहार करके फिर उनके पति और भाइयों के सामने उनको मारते थे, और फिर उसके बाद में वो पुरुषों को मारते थे। तो ये क्या है कि ये ऐसे जानवर के समान क्रूरता है कि न केवल दूसरे को मारना है, पर इस तरह से मारना है कि जितना ज़्यादा दुख दे सके वो दुख दे। जैसे माता पिता को अपने संतान मर रही है देख के कितना दुख होगा वो, बेहतर कि मैं मर जाऊं पहले। और फिर किसी पुरुष को उनके सामने उनकी बहन या उनकी पत्नी या उनकी बेटी मर उसे गैर व्यवहार हो रहा है उसके हाथ में मर रही है, वो देखना कितना कितनी वेदना होगी। तो इतिहास में क्रूरता के ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, और कम से इस प्रकार की क्रूरता है कि वो क्या कर रहा है, न केवल वो बालक को मार रहा है और न ही केवल क्रूरता से मार रहा है, पर वह वसुदेव और देवकी के सामने मार रहा है, वो देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये क्रूरता जो है क्रूरता ट्रिपल है, तिगनी क्रूरता है। तो इस प्रकार की क्रूरता जो वसुदेव कंस में थी, अभी उस कंस के खिलाफ क्या हो रहा है, वसुदेव जा रहे हैं। उन्हें कंस को वचन दिया था कि मैं जो पुत्र है मैं आपको दे दूंगा, पर जब कृष्ण ने बताया है तो वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण ने कहा कि मुझे वृंदावन लेके जाओ, तो फिर वो कृष्ण के वचन को मान रहे हैं कि यहाँ पे वसुदेव जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह दर्शा रहे हैं कि सत्य बोलना, अपने वचनों का आदर करना यह एक धर्म है, पर भगवान के लिए सब धर्मों का त्याग करने के तैयार होते हो। तो जो इस तरह से जा रहे हैं ये जोखिम बहुत है, इसलिए क्या है, चिंता बहुत है। और क्या होता है कि हम कहते हैं कि भगवान में हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कि हमें हमारा चेतना पूरी तरह से एकाग्रित करनी है। सो फ्यू थिंग्स ब्रिंग एज मच एब्जॉर्प्शन एज एंग्जाइटी। जब हमें चिंता होती है तो चिंता से जो एकाग्रता आती है वह किसी और चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। किसी की चीज़ बारे में चिंता होती है तो उसी के बारे में विचार कर रहे होते हैं। तो अभी जो वसुदेव है वो कृष्ण को अपने सिर पर लेके जा रहे हैं। वो सिर पर अभी अलग अलग आचार्य गण इसके अलग चीज़ बताते हैं। कोई कहते हैं कि वो अपने पहले उसको अपने कंधे पे ले अपने छाती के सामने रख के लेके जा रहे होते, पर जब वो सागर नदी में प्रवेश करते हैं तो नदी में जैसे जैसे यमुना का जल और ऊपर उड़ने लगता है तो फिर वो उसको अपने सिर पर रखते हैं। और फिर कुछ बताते हैं कि ऐसे उनके पास एक बास्केट, एक व्हाट इज बास्केट इन हिंदी, टोकरी होती है, यस टोकरी, जिसमें वो उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो अभी जो ये जो है यह क्या, यह वसुदेव
कृष्ण को उठा के लेके जा रहे हैं। दिस इज द सुप्रीम सिंबल ऑफ सर्विस एटीट्यूड, कि ये जो सेवा भाव का एक प्रतीक है कि भक्त भगवान की सेवा के लिए बहुत सी चिंता जो है जोखिम वो लेते हैं। अभी जलाशय के पार जाने का हम तुलना करते हैं तो न केवल प्रभु श्री राम जलाशय के पार गए, न केवल वसुदेव जलाशय के पार गए, श्री प्रभुपाद जी भी जलाशय के पार गए। श्री प्रभुपाद जी जलदूत में गए और श्री प्रभुपाद जी एक शारीरिक रूप से कुछ अपने सिर पे उठा के नहीं ले जा रहे थे, पर उनके पास उनके जो भागवतम ग्रंथ थे वो लेके जा रहे थे। और प्रभुपाद जी के लिए भी जोखिम था, शारीरिक रूप पे जोखिम था क्योंकि वे वृद्ध थे, वे अकेले जा रहे थे, उनको हार्ट अटैक आया था, और फिर उसके साथ साथ वहाँ पे जाके क्या होने वाला है, उनको एक कुछ प्रॉप कुछ शाकाहारी अन्न भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं था उनको, तो बड़े जोखिम थे, पर प्रभुपाद जी वो स्वीकार कर रहे थे। और जब हम भगवान की सेवा के लिए जोखिम लेते हैं तो उससे एक अलग प्रकार का रस अनुभव होता है, क्योंकि उसमें जो है भगवान कहते हैं जयोस्मि व्यवसायोस्मि, दसवें अध्याय में कहते हैं कि मैं विजय हूँ और आई एम विक्ट्री एंड आई एम एडवेंचर। एडवेंचर मतलब क्या है, जो रस जो जो रिस्क होती है, जो जोखिम होती है जब हम लेते हैं तो उसमें भगवान की सेवा में एक विशेष प्रकार का रस अनुभव होता है। तो हम रस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आर है रिस्क, फिर ए है कि एटमॉस्फियर। अभी जब प्रभु श्री रामचंद्र जो पूर बना रहे हैं तभी क्या हो रहा है, तभी वातावरण क्या था, तभी वहाँ पे जो वातावरण था सारे जो वानर थे उनमें एक तरह से विजय घोष चल रहा था, एक आनंद का वातावरण था, एक उत्साह का वातावरण था कि अभी हम सब साथ आके प्रभु श्री रामचंद्र के साथ जाके हम सीता को पुनः लाने वाले हैं। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जा रहे थे सीता को लाने के लिए, वसुदेव जा रहे थे कृष्ण को रखने के लिए। एक तरह से जो कार्य है, किसी को रखना है, किसी को लाना है, किसी को रखना है वहाँ पे, पर वो कार्य का रूप अलग है, पर जो उद्देश्य है कि भगवान की सेवा है वहाँ पे। तो इसके विपरीत जब वसुदेव कृष्ण को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे वातावरण क्या था, वो रात थी, न केवल रात थी वो एक तूफानी रात थी, और जो तूफान इतना बढ़ रहा था वहाँ पे कि जैसे तूफान बढ़ते जा रहा था, जमुना में जो पहले वो जमुना के सामने आ गए, अभी वसुदेव वहीं पर काफ़ी समय से रह रहे थे तो वो जानते थे कि जमुना को पार पार जाए तो कहाँ पे आसानी से पार जा सकते हैं, कहाँ से नहीं जा सकते हैं, पर जहाँ पे साधारणतः आसानी से कोई पार जा सकता था वहाँ पे भी इतना जल आ गया था कि पार जाना बड़ा मुश्किल था। फिर भी वसुदेव ने श्रद्धा रखी और वो वहाँ पे तूफानी जल आ रहा था, तूफानी लहरें आ रही थी, बादल में बिजली गिरगिरा रही थी, और बिजली थी और फिर गिरगिराहट हो रही थी, फिर उस समय में वो अकेले वो जा रहे थे, तो जो वातावरण था वो वातावरण से जोखिम है और बढ़ जा रही थी। न केवल एक ऐसे थियोलॉजी में कहते हैं कि देर आर टू काइंड्स ऑफ ईविल, देर इज मॉरल ईविल एंड नेचुरल ईविल, कि एक नैसर्गिक विपत्ति होती है और एक मानवीय विपत्ति होती है। तो नैसर्गिक विपत्ति मतलब क्या है, जैसे कोई वातावरण हो जाता है, जैसे अभी ये कोरोना का जो जंतु आ गया है ये एक नैसर्गिक विपत्ति है, पर मानवीय विपत्ति मतलब कोई मानव जो होता है वह उसके खिलाफ है, कोई व्यक्ति है जो कोई बुरा कार्य करके कि दूसरे का किसी विनाश करने के लिए आ गया है। तो अभी प्रभु श्री राम सब जा रहे थे सागर के खिलाफ, तो तभी रावण प्रतिकूल था, पर नैसर्गिक कोई विपत्ति नहीं थी। पर जब कृष्ण लीला करते हैं तो यहाँ पर कृष्ण लीला में, इस लीला में तो क्या था, मानवीय विपत्ति थी कंस के रूप में, नैसर्गिक विपत्ति थी तूफान के रूप में, और उसके बावजूद वसुदेव स्वयं जा रहे हैं। अभी वसुदेव कृष्ण को उठा के ले जा रहे थे और वो रात का समय था, उनके साथ एक तरह से कोई नहीं था, और दैट वो जो, तो क्या होता है कि व्यक्ति को जितना
स्ट्रेंथ इज मैनिफेस्टेड इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन, कि शक्ति जो होती है वो विरोध जितना होता है उस मात्रा में दर्शित होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई छोटा हाथी है, अभी वो हाथी को, हाथी इधर उधर जा रहा है, पर वो हाथी को एक रस्सी से एक पेड़ पे बांध दिया है, और फिर वो हाथी को कुछ आकर्षक चीज़ें से कुछ अन्न दिख जाता है, कुछ स्त्री हाथी दिख जाती है, तो उसकी ओर जा रहा है वो भी। तो अभी वो हाथी को खुद को पता नहीं उसकी शक्ति कितनी है, पर जब कोई आकर्षक चीज़ आ जाती है और फिर वो खींचने लगता है, और फिर देखता, अरे ये बड़ा पेड़ है वो नीचे गिर रहा है। तो क्या होता है, वो जब पेड़ से विरोध होता है तभी पता चलता है कि ये हाथी की शक्ति कितनी है। सो स्ट्रेंथ इज रियलाइज्ड इंटरनली एंड एक्सप्रेस्ड एक्सटर्नली इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन। वो हाथी को पता चलता है कि कितनी शक्ति मुझ में है, और लोगों को पता चलता है अरे इसमें कितनी शक्ति है, ये छोटा सा हाथी लगता है पर इतने बड़े पेड़ को गिरा रहा है। तो उसी तरह से जो हमारी जो भक्ति है, भक्ति का हमारा जो भाव है, सो डिवोशन इज रियलाइज्ड इंटरनली, हम समझ सकते हैं कि हम में कितनी भक्ति है, एंड एक्सप्रेस्ड एक्सटर्नली, वो बाहर व्यक्त होता है जब हमारे जीवन में विरोध आता है। हम जब सेवा कर रहे होते हैं उसमें विरोध आता है, तो फिर तो उस समय हम क्या करते हैं, उससे हमारी भक्ति दर्शती है, भक्ति दर्शाई जाती है। तो अभी वसुदेव को हर तरह से विरोध है, कि नैसर्गिक विरोध है, मानवीय विरोध है, और उसके बावजूद वो जोखिम लेके एक बहुत ही भयानक वातावरण में अकेले जा रहे हैं। तो यह उनके भक्ति का प्रतीकता है। उससे जैसे प्रभुपाद जी भी सागर के पार जा रहे होते हैं तो क्या होता है, पहले उनको सी सिकनेस होता है, और उसके बाद में उनको क्या होता है, दिल का दौरा हो जाता है। तो पहले तो सी सिकनेस होता है, दिल का दौरा होता है, क्योंकि जो सागर होता है, सागर में बहुत तूफान जैसे होता है, पर प्रभुपाद जी का जो दृढ़ संकल्प है वह बिल्कुल अटल रहता है। और फिर तीसरा हम आर ए ऐसे देख रहे हैं, एस इज सपोर्ट, सपोर्ट उनका सहयोगी कौन, सपोर्ट के साथ। अभी राम जब जा रहे थे सागर के पार, तो उनके सहयोग के लिए उनके साथ बहुत से वानर थे, हनुमान अभी अकेले पहले गए थे, हनुमान अभी जा रहे थे, हनुमान कैसे प्रभु श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सब सहयोग के लिए उनके साथ थे। पर वसुदेव जब जा रहे हैं ये जमुना के खिलाफ, जमुना के जब पार, हम कह सकते हैं कि जमुना छोटी है, जमुना के पार जाना इतना बड़ा नहीं है, अंतर नहीं है जितना सागर है, वो सही है, पर फिर भी जो चुनौती है वो विशाल है, क्योंकि वसुदेव अकेले है, वसुदेव के साथ कोई भी नहीं है। अभी हम अगर उसके चित्र के रूप में चित्र देखते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पे अनंत शेष है, जो वहाँ पे तूफानी बारिश से वसुदेव और कृष्ण का संरक्षण कर रहे हैं, पर यह जो है इसकी जागृति वसुदेव को नहीं है। हम जब दृष्टि में देखते हैं तो हमको वहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे ये चित्र है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे अनंत शेष है, पर वसुदेव को उस लीला में वो जागृति नहीं है कि अनंत शेष यहाँ पे मेरे संरक्षण के लिए। वसुदेव बिल्कुल अकेले है। जैसे क्या होता है कि दिस इज एक्चुअली अ लिमिटेशन ऑफ विजुअल्स, जब हम चित्र बनाते हैं तो जो वास्तविक प्रसंग होता है उसको पूर्णतया दर्शाया नहीं जा सकता। जैसे हम जैसे अर्जुन को जब भगवान विश्वरूप दर्शाते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्, तो अभी हम साधा तो वो उसको विश्व अर्जुन को विश्वरूप दिखाते हैं, तो हम जब चित्र देखते हैं वो विश्वरूप का, तो क्या दिखता है हमको कि यहाँ पे अर्जुन है, देख रहा है, मैं हाथ जोड़ के है शायद, और कृष्ण एक जगह पे है और कृष्ण अर्जुन को विश्वरूप दिखा रहे हैं, और वो पूरा विश्वरूप उनको दिख रहा है। तो ये चित्र में हमको क्या देखता है, हमको कृष्ण अर्जुन दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं और विश्वरूप दिखते हैं। पर जब भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन कृष्ण को देख नहीं पाते, वो कृष्ण को देख नहीं पाते। इसीलिए अभी आप देखेंगे भगवद्गीता में जब अर्जुन संबोधन कर रहे होते तो वो कृष्ण को संबोधन नहीं कर रहे थे, वो विश्वरूप को संबोधन कर रहे होते और पूछते आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो, कि आप कौन हो।
अभी क्या है कि अभी हम कहे अरे कृष्ण ने ही अर्जुन से कहा है कि मैं विश्वरूप दिखाने वाला हूँ, तो अभी विश्वरूप दिखा रहे हैं, तो फिर ये क्यों क्यों पूछ रहे आप कौन हो? क्योंकि जब अर्जुन को क्या होता है कि ये भवान, ये संस्कृत में ये एक आदरपूर्व संबोधन का शब्द है। मान लीजिए वो किसी का फ़ोन है तो कौन है तू, शायद हम बोलेंगे, फिर अगर पता चले कि हमारा बॉस बोल रहा है क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो क्या होता है तू जो है तुरंत आप में बदल जाता है। तो वैसे ही जब कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन कृष्ण को देख रहे होते तो उनमें एक स्नेह साख्य का संबंध है, तो जब कृष्ण अर्जुन के शरण में जा रहे हैं तभी अर्जुन को वो त्वाम के रूप में बोलते हैं, तो कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, त्वाम बोता रहे। पर जब ये विश्वरूप को देख लेते हैं तो तू से आप जाते, भगवान आख्या ही मे को भगवान उग्र रूपो, आप कौन हो? तो अभी ये आप कौन हो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय जो है कृष्ण, अर्जुन कृष्ण को नहीं देख पा रहे, वो केवल विश्वरूप को देख रहे हैं। और मान लीजिए हमारे साथ कोई मित्र है, हम सोचते कि ये साधारण मित्र है, हमारे साधारण मित्र है, और तभी अचानक मान लीजिए कुछ कुछ बड़ा खतरा आ जाता है, हम किसी पहाड़ के बाजू में चल रहे हैं और अचानक एक बड़ा पत्थर पहाड़ से नीचे आने लगता है, और हमारा मित्र ऐसे अचानक उसको पकड़ लेता है और बड़ा पत्थर है उसको ढके लेता है, तो हम बोले अरे तुम कौन हो? हाँ मैं तो तुमको साधारण मित्र समझ रहा था, तुम कौन हो? तो वैसे ही क्या होता है, अर्जुन ने कृष्ण का विश्व, अर्जुन को कृष्ण के विश्व रूप के बारे में पता है, विश्वरूप के बारे में पता है, सुना है अर्जुन ने वो विश्वरूप दुर्योधन को दिखाया था उसके बारे में अर्जुन ने सुना हुआ है, पर कृष्ण यहाँ पे कुछ दिखाते हैं वो पहले नहीं सुना है उनके, वो है काल रूप। काल रूप मतलब क्या, वो दिखाते हैं कैसे सारे जो योद्धा है वह इस विश्वरूप के अंदर जा रहे हैं, तो वो देख के अर्जुन कौन हो तुम? आख्या ही मेको भगवान उग्र रूप। तो ये मैं कहने का उद्देश्य क्या था कि यद्यपि अनंत शेष वसुदेव के साथ थे, वसुदेव को यह पता नहीं था, इसीलिए जब वो सेवा कर रहे थे ऐसे वो अकेले है, सारी कृष्ण को संरक्षित रूप से वहाँ पे लेके जाने की जिम्मेदारी जो है वो उनकी है, और जो है जोखिम इतना है, फिर शत्रुत्व वातावरण इतना खतरनाक है, और अकेले है वो, और ऐसे अकेले होते हुए भी वो क्या है, वो बिल्कुल उनका दृढ़ संकल्प है, और ये जो दृढ़ संकल्प है बिना किसी सहायक के, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वो बिल्कुल अकेले थे, न केवल वो अकेले जा रहे थे पर इट वॉज नॉट जस्ट प्रभुपाद वॉज गोइंग अलोन, वास्तव में उनको कोई मदद करने के लिए भी नहीं था। तो एक है कि शारीरिक रूप से आप अकेले जा रहे हैं, पर आपके साथ आपको पता है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो मुझे मदद करने वाले हैं, मैं उनको किसी को मदद के लिए मैं बोल सकता हूँ, वहाँ पर जाऊँगा तो मदद करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को भारत में कोई मदद उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था कि उनके अमेरिकन प्रीचिंग के लिए, और अमेरिका में जब जा रहे थे वो तो अमेरिका में वो किसी को जानते भी नहीं थे, और वो व्यक्ति उनको कितना सहयोग करेगा क्या करेगा कुछ भी नहीं पता था, तो प्रभुपाद जी बिल्कुल अकेले थे, नो सपोर्ट एट ऑल। और ऐसे परिस्थिति में अगर कोई अपनी सेवा बनाए रखता है तो वो है कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है, सेवा भाव है, कितनी भक्ति है, वो दर्शाई जाती है। तो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा ये दर्शाते हैं कि कैसे जो वसुदेव के हृदय में जो रस है कृष्ण की सेवा के प्रति, कृष्ण में अपनी पूरी चेतना एकाग्र हो रही है, वह परिस्थिति से हो रही है, और ये इस तरह से है। तो हम रस के बारे में चर्चा करें तो आखिरी जो पॉइंट है RASA, तो ए जो है आखिरी जो है वो है एटीट्यूड, कि हमारा व्यक्ति का भाव क्या है, कि परिस्थितियाँ तो बहुत सी हो सकती है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब हम सेवा करते हैं आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी टेक, हम कितनी जिम्मेदारी लेते हैं। कि कई बार अभी प्रभुपाद जी कृष्ण भावना की परिभाषा अलग अलग पद्धतियों से देते हैं, तो कभी कभी कृष्ण भावना की परिभाषा प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बहुत सुंदर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मंदिर में आते हो और भगवान का दर्शन करते हो और तभी आपको ऐसे लगता है
कि कृष्ण मुझे पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। अगर आपको ऐसे लगता है तो आप कृष्ण भावना भावित हो। तो अधिकांश लोग जब मंदिर में आते हैं तो भगवान से पूछते हैं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या, आप इसका निवारण क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, वो किसी न किसी न किसी प्रकार है, किसी भी तरह से भगवान के पास आ रहे हैं, वो अच्छा है। पर कृष्ण भावना का मतलब ये नहीं है कि किसी से हम भगवान का नाम लेके जप करें कृष्ण, वो है, पर केवल वो नहीं है। कृष्ण भावना का मतलब नहीं है कि हम आके कथा का श्रवण करें। कृष्ण भावना का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भगवान के लिए अलग अलग सेवाएं करें। हाँ, वो सब करें, पर वास्तव में हम उसमें जो एटीट्यूड भाव है कि एक भक्त को लगना चाहिए कि व्हाट एम आई डूइंग फॉर कृष्णा। कि ऐसे मैं बोला, रस जो है वो उत्पन्न होता है, भगवान रसराज है, न केवल वो रसों का आस्वादन करते हैं, पर वो रसों का आस्वादन करने का मौका भक्तों को देते हैं। और वो रसों का आस्वादन कैसे होता है कि हमारे हृदय का मंथन होता है, कि हमारे हृदय में अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं, पर जब हम सेवा करने का प्रयास करते हैं दृढ़ संकल्प से कि जिम्मेदारी लेके, तो फिर क्या होता है, हमारे हृदय का मंथन होता है। और जो मंथन करने के लिए एक मखनी लगती है, जैसे अमृत जो सागर का मंथन होता है 8वें स्कंद में बताया गया, तो वहाँ पर जो मखनी जो होती है वो क्या है, जो मंथन करने का जो दंडा है वो मंदार पर्वत है। तो हमारे हृदय का अगर मंथन होना है तो उसके लिए जो मखनी है वह हमारा सेवा भाव है, वह ये सवाल है। अगर हमारे हृदय में सवाल हमेशा रहता है व्हाट एम आई डूइंग फॉर कृष्णा, तो वह सेवा से हमारे हृदय का मंथन होते रहेगा। और फिर जो दिव्य दिव्य अनुभव है, कृष्ण के प्रति रस है, वो जागृत होते रहेगा। प्रभुपाद तो वसुदेव का यही भाव है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। और जब वो कृष्ण की सेवा करनी होती है तो क्या होता है, एक तरह से वसुदेव ये कृष्ण को उठा के ले जा रहे हैं, दूसरी तरह से कृष्ण वसुदेव को ले जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने सब योजना की है। कृष्ण ने पहरेदारों को सुला दिया, कृष्ण ने कारागृह के दरवाजे खोल दिए, कृष्ण ने वो यमुना के जो मार्ग से, यमुना के प्रवाह से एक मार्ग दिखा दिया, कृष्ण ने वहाँ पे अनंत, कृष्ण स्वयं अनंत शेष के रूप में आए हैं। पर क्या है, एक तरह से भक्त जो है वह भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान जो है वो भक्त की सेवा करना चाहते हैं, भक्त को उनकी सेवा में मदद करना चाहते हैं। और यह जो आदान प्रदान है, इसी में एक दिव्य रस का अनुभव होता है। तो वसुदेव जब जा रहे हैं तो वसुदेव इज़ कैरिंग कृष्णा एंड कृष्णा इज़ कैरिंग वसुदेव, वसुदेव इज़ कैरिंग कृष्णा फिजिकली एंड कृष्णा इज़ कैरिंग वसुदेव वी कुड से स्पिरिचुअली, वो उनको सेवा, सारे सेवा की सुविधा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका गए तो उनका भाव क्या था, जब अमेरिका में गए, साधारणतया अभी किसी को दिल का दौरा पड़ गया है तो एक बार नहीं दो बार है, वो पहले जैसे ही कहीं कोई वहाँ पे अगर डॉक्टर नहीं है तो जैसे ही वो कहीं पहुँच जाएगा किसी जगह पे, पहले डॉक्टर के पास चेकअप करना है मुझे। पर प्रभुपाद जी बटलर पेंसिल में उतरे, किसी डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है। ओके, बोलते कि वहाँ पे जब वो हम मार्की ने भागवत धर्म जो उनका गीत है, उसमें पूरा भाव क्या है प्रभुपाद जी का, व्हाट कैन आई डू फॉर कृष्णा, कृष्णा आप जो मुझसे सेवा करना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते। तो उस तरह से ये प्रभुपाद जी का सेवा भाव था। और उससे प्रभुपाद जी वो उनके जलदूता डायरी में भी लिखते हैं कि मैं चैतन्य चरितामृत का, कृष्ण लीला का स्मरण कर रहा हूँ, रस अनुभव कर रहा हूँ और यही मेरा आनंद है। तो उस तरह से जैसे वसुदेव कृष्ण को उठा रहे हैं, उन्होंने वो जिम्मेदारी ली है। तो हम भी अगर जिम्मेदारी लेते हैं भगवान की सेवा में, तो हमारे जीवन में भी, हमारे हृदय में भी रस की जागृति होगी। और वो रस के दिव्य रस जब जागृत हो जाएगा तो यद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यादृति क्वचित, बाकी सब जो रस है भौतिक चीज़ों के प्रति वो सब से हम परे चले जाएंगे, भगवान में हम एकाग्र हो जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, इसके अलग अलग अर्थ, जिम्मेदारी है। तो हम कभी को सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो ये सेवा करने के लिए मेरे पास ये शक्ति नहीं है,
सो भक्ति में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या है, वह क्या होती है, इट इज आवर रिस्पॉन्स टू गॉड्स एबिलिटी, इट इज आवर रिस्पॉन्स टू गॉड्स एबिलिटी। कि क्या है, हम जानते हैं कि हमारी जो क्षमता भी है ये वास्तव में मेरी क्षमता नहीं है, पौरुषम ऋषु, भगवान कहते हैं कि मैं आपकी जो क्षमता है वास्तव में मैं हूँ उस क्षमता के रूप में। तो भक्त जब सेवा करते हैं तो हमें क्या होता है कि मुझे सिर्फ सेवा भाव रखना है, और मुझ में क्षमता हो न हो, अगर मैं सेवा भाव रखूँगा तो या शायद भगवान मुझे क्षमता दे देंगे, या भगवान मेरे पास ऐसे व्यक्ति भेजेंगे जो मुझे, जो जिनके पास वो क्षमता होगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने भागवतम के तात्पर्य में कि वो कहते स्पष्ट रूप से कि वास्तव में अंग्रेज़ी ये मेरे लिए परदेशी भाषा है, और शायद मैं अंग्रेज़ी में इतना अच्छे से लिख नहीं पाऊँगा, पर क्या है, मुझे संदेश देना है। तो वो संदेश देने का भाव रखते हैं, और फिर बहुत प्रभुपाद जी को कृष्ण इंग्लिश एडिटर्स वगैरह जो भी चाहिए, इंग्लिश पब्लिशर सब कुछ भेज देते हैं। तो कृष्णा डजंट वॉन्ट टू सी आवर एबिलिटी, ही वॉन्ट्स टू सी आवर एटीट्यूड। हमें कितनी क्षमता है वो महत्वपूर्ण है, हमारा सेवा का भाव है। अगर हमारे पास सेवा का भाव है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, आवर रिस्पॉन्स टू गॉड्स एबिलिटी। तो प्रभुपाद जी का दृढ़ संकल्प था सेवा करना है मुझे, और वो सेवा का संकल्प रखे है, तो न केवल प्रभुपाद जी दिव्य रस अनुभव कर पाए, पर प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया, जिससे कि हजारों और लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति का रस अनुभव करने का मौका मिल रहा है। तो जन्माष्टमी एक ऐतिहासिक उत्सव है जो हजारों साल पहले हुआ है। कुछ आचार्य कहते हैं कि वो एग्जैक्टली 5022 ईयर्स अगो होता, पर जो भी हो एग्जैक्ट डेट, व्हेन कृष्णा अपीयर्ड इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाई कृष्णा अपीयर्ड, कि कृष्ण क्यों आए उससे ये महत्वपूर्ण है, कब आए उससे ज़्यादा। पर जब वो आए तो उनका उद्देश्य क्या है कि हम सबको रस का अनुभव देना। और जन्माष्टमी या केवल भगवान का अवतरण एक समय होना नहीं है, वह भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में होना है। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि रसराज कृष्ण हमारे हृदय में भी उनका आवेश प्रकट हो, और हमारे हृदय में भी एक दिव्य रस की जागृति हो, जिससे कि हम भगवान की सेवा में लग जाए, और जो इस भौतिक जगत के सारे विकृत रस है, क्षणभंगुर रस है, उनसे हम दूर चले जाए। तो सारांश में आज मैं चर्चा की किस तरह से भगवान अवतार लेते हैं रस की जागृति करने के लिए, और एक भगवान का एक बाह्य उद्देश्य है कि वे धर्म की संस्थापना जगत में करना चाहते हैं, पर वह तो उस समय के लिए है। स्थाई काल के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिनके द्वारा धर्म की स्थापना सबके हृदय में हो सकती है। और धर्म की स्थापना मतलब क्या है, सब में धार्मिक और अधार्मिक प्रवृत्तियाँ है, धार्मिक प्रवृत्ति का संवर्धन और अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन। और किस तरह से वो रस का जागृति करते हैं, हमने वो देखा कृष्ण के आविर्भाव के बाद की लीला के द्वारा, जैसे खास करके वसुदेव जी किस तरह से जलाशय के परे कृष्ण को लेके गए, उसकी तुलना हमने ऋषि राम किस तरह से लेके गए, राम किस जलाशय के परे गए, और श्रील प्रभुपाद जी कैसे जलाशय के परे गए, वो तुलना की। और हम चार चीज़ देखिए, RASA, किसी को याद है R क्या था, रिस्क, जोखिम। तो देखा कैसे कि कितनी बड़ी जोखिम थी वसुदेव के लिए, कि कम से इतना निष्ठुर था, वो निष्ठुर था कि तीन गुना था। और दो तरह से देखा कैसे, वो पहले देवकी पे आक्रमण कर रहा था, और फिर ने देवकी के पुत्रों को बार बार मार डाला। तो ऐसे कंस के प्रतीक के विरुद्ध वसुदेव अकेले जा रहे हैं, तो उससे वो जो जोखिम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या होता है, उससे चिंता आती है, पर उससे एकाग्रता भी आती है, और उससे पूरी तरह से भगवान में लीन होकर वो एक दिव्य अनुभव कर रहे हैं। फिर ए क्या था, एटमॉस्फियर, जो न केवल एक मानवीय विरोध था पर नैसर्गिक विरोध था। वहाँ पे वातावरण जैसे था कि रात थी, एक तरह पहले तो सन्नाटा था, पर बाद में तूफान आ गया, और उसमें वसुदेव लेके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को, हम प्रभु जी की तुलना के, प्रभुपाद जी को भी जोखिम थी, क्यों, ओ जब जा रहे थे उनके शारीरिक स्तर पर जोखिम थी, फिर तूफान ये वातावरण भी आ गया था सागर में पहले। फिर एस क्या था, सपोर्ट। तो वसुदेव बिल्कुल अकेले थे,
यद्यपि वहाँ पे अनंत शेष थे पर उनको पता नहीं था वो। तो अगर अकेले कुछ सेवा करनी है तो उसमें एकाग्रता और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लग जाती। तो उनको जो दिव्य भगवान की सेवा का रस का अनुभव हो रहा था, प्रभुपाद जी भी वैसे ही बिल्कुल अकेले चले गए थे। और आखिरी ये क्या था, एटीट्यूड। तो जो अभी जो अमृत मन जो मंथन होना है हमारे हृदय का, जिससे कि रस जागृत हो, वो एटीट्यूड क्या है कि मुझे सेवा करनी है। वॉट एम आई डूइंग फॉर कृष्णा। अगर हम ये पूछते रहेंगे कि वॉट इज़ कृष्णा डूइंग फॉर मी, वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, तो फिर क्या उसे सेवा भाव चला जाएगा। तो वह प्रभुपाद तो वसुदेव अकेले थे पर वो इतने तूफान क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहा है, वो नहीं, मुझे कृष्ण के लिए कुछ सेवा करनी है। प्रभुपाद जी को दिल का दौरा पड़ा था पर जब वो अमेरिका आ रहे थे वो सोच रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल जाके एडमिट होना है, मुझे मैं कृष्ण के लिए क्या कर सकता हूँ। तो यह जो है ये जो सवाल है, वॉट एम आई डूइंग फॉर कृष्णा, ये एक तरह से मखनी है जिससे कि हमारे हृदय का मंथन होगा और उससे कृष्ण के प्रति रस जागृत होगा। और जब रस जागृत होगा तो फिर उससे क्या होगा, भौतिक रसों के हम परे चले जाएंगे। तो ये रस जागृत होने के लिए, इस प्रकार का भाव रखने के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी है। और जिम्मेदारी लेते समय हमारी जो विचारधारा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एटीट्यूड हमारी जो क्षमता है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन भक्ति मीन्स आवर रिस्पॉन्स टू गॉड्स एबिलिटी। अगर हम सेवा का भाव रखते हैं तो शायद भगवान हमें शक्ति दे सकते हैं, किसी और शक्ति को क्षमता है वो आ सकता है और हम वो सेवा में आगे जा सकते हैं। और इस तरह से सेवा का, जिस तरह से वसुदेव ने कृष्ण को उठाया था, वैसे हम भगवान की सेवा की जिम्मेदारी उठाते हैं तो भगवान हम सबको भी दिव्य रस का अनुभव करने का बहुत से मौके देंगे और उसके द्वारा हम उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। और वह भगवान के प्रति रस जागृत होना, वही जन्माष्टमी की स्थायी भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री प्रभुपाद की जय। किसी कोई कमेंट या सवाल है? हरे कृष्णा, धन्यवाद।